पाप हो, लोग दुख पाए, भगवान की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान का अप्रूवल है, क्योंकि कर्मानुसार और साथ ही कलयुग का जो पतित स्वभाव है उसके अनुसार कार्य तो होने ही है। तो इसीलिए भगवान ने अब कलयुग का अप्रूवल तो दिया हुआ है कि हाँ काला युग है, गलत काम तो यहां होंगे, तो इसमें भगवान का अप्रूवल है लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है। इसलिए भगवान बार बार अपने अवतार भेजते हैं, विस्तार भेजते हैं, गुरुजन भेजते हैं, प्रॉफिट भेजते हैं, मैसेंजर भेजते हैं, ग्रंथ भेजते हैं, या विशेष दिन भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है कि हम वापस आ जाएं। लेकिन कलयुग है, क्योंकि अधर्म का युग है तो अधर्म तो होगा, तो अधर्म के लिए भगवान का फिर अप्रूवल है, क्योंकि युग ऐसा ही है तो ठीक है, ओके अप्रूव्ड। लेकिन अधर्म का युग कितना है? एक दसवां, एक दसवां, 432,000 साल का होता है कलयुग, ठीक है जी। इसका दुगना होता है द्वापर युग, यानी कि 864,000 साल का होता है द्वापर युग। कलयुग का तीन गुना होता है त्रेता युग, यानी कि 12,96,000 साल का होता है त्रेता युग। और कलयुग का चार गुना साइज का होता है सतयुग, यानी 17,28,000। तो यानी कि अगर ये है एक्स, तो 2x क्या है? द्वापर युग। 3x क्या है? त्रेता युग। 4x क्या है? सतयुग। तो 4x प्लस 3x प्लस 2x प्लस x कितना हो गया? ये 10x। 10x में सिर्फ x है कलयुग, बाकी 9x कलयुग नहीं है। तो भगवान वैसे अधर्म नहीं चाहते, इसलिए 10 में से सिर्फ एक हिस्सा दिया है अधर्म को, बाकी वास्तव में धर्म है, धर्म रहता है। हालांकि धर्म धीरे धीरे करके विलीन, मतलब नीचे आता है, लेकिन वैसे अधर्म पूरी तरह से रहता है, वो भी कलयुग में होता है। इसके पहले तो वास्तव में फिर भी सात्विकता रहती है। जैसे एक एनालॉजी आती है, जैसे जो सतयुग था, सतयुग का समय था, तो उस वक्त लोग क्या करते, जो भी कमाते थे उसको उछालते थे, जो झोली में गिरा हमारा, जो झोली के बाहर गिरा वो प्रभु का। फिर जब त्रेता युग आया, उन्होंने कहा भी खर्चे बढ़ गए हमारे, तो क्या करते हैं, सर्कल बनाया उन्होंने, जो सर्कल के अंदर गिरा हमारा, सर्कल के बाहर गिरा वो प्रभु का। फिर आया द्वापर युग, द्वापर उन्होंने कहा भाई सर्कल से काम नहीं, चलो लाइन खींचते हैं, जो सर्कल के इस तरफ गिरा वो हमारा, सर्कल के जो उस तरफ गिरा वो भगवान का, और हम यहाँ से फेंकेंगे। तो यह है द्वापर युग। फिर आया कलयुग, उन्होंने कहा क्या यार तुम लाइन वाइन खींच रहे हो यार, प्रभु जो रखना है रख ले, जो गिरा हमारा। तो ये कलयुग है। तो धर्म का हालांकि हास तो होता रहता है, लेकिन फिर भी अधर्म के लिए स्थान दिया है ओनली 1/10 इस प्रकार से। लेकिन इसमें भी भगवान आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, और सबसे आसान तरीका देते हैं, सबसे आसान तरीका देते हैं प्रसन्न चित्त रहने का, आत्म साक्षात्कार का, वो है भगवान के नाम का कीर्तन। कोई नहीं बैठना ऐसे लंबे समय के लिए, ऐसे बैठ के साधनी करने, कुछ नहीं जी, नाचो गाओ प्रसाद पाओ धाम जाओ, वाह क्या बात है जी। ऐसी बाकी युग बोले हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, कहते भैया हम अपनी हड्डी पसली ये कर गए भाई, हमें प्रभु मिलेंगे, ये लोग नाच गा करके हरी बोल करके चल निकल गए जी, वाह जी वाह यार। तो कृपा भी है कलयुग वालों के ऊपर भगवान की।